हमको हमारे इस्कॉन के एक बहुत ही वरिष्ठ प्रभुपाद जी के शिष्य और सन्यासी संघ मिल रहा है, इस उनमें श्लोकनाथ स्वामी महाराज। तो महाराज जी के बारे में हम लोग देखते हैं वो फोटो जिसमें महाराज जी डंडा लेके प्रभुपाद जी के साथ चल रहे हैं, और उसके बाद प्रभुपाद जी के साथ इंटरेक्शन उनका प्रभुपाद लीलामृत में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने स्वयं भी देखा है महाराज जी का उत्साह, जो महाराज जी अपने प्रैक्टिस से भी दिखाते हैं। तो हमने उनको स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि अगर भक्तों को महाराज जी बताएंगे कि कैसे ब्रह्मचारी आश्रम में जब कैसे हम लोग अपना सुधार सकते हैं भगवान के नाम के प्रति, क्योंकि महाराज जी स्वयं कीर्तन सम्राट है ना, उनका भी हम सुन रहे थे मायापुर मेला कीर्तन मेला में भी महाराज जी ने कीर्तन किया था, और उसके साथ साथ 10 नाम अपराधों से कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया, तो महाराज जी हमारे रिक्वेस्ट स्वीकार किए। तो महाराज जी को हमारे ब्रह्मचारी आश्रम संध्या में स्वागत करते हैं 3 बार जोर से हरिबोल बोलकर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि हरे कृष्ण 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 हरे हरे आप सबका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ में आपका स्वागत है। आज नहीं, आज ज्वाइन नहीं कर रहे हो आप, तो बहुत पहले के ज्वाइन कर चुके हो, तो अभी इन अ फॉर्मल वे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ श्री प्रभुपाद के आंदोलन में। और क्या तो मेरी ओर से भी आप सबके आध्यात्मिक प्रगति और उन्नति के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं आपके आपके प्रति या आपके साथ। हरे कृष्ण। सर्व नामे रुचि जीवेदया वैष्णव सेवन, ऐसा भी एक सूत्र है। Three things go together. तो नामे रुचि जीवन में, जीवन का लक्ष्य है नामे रुचि हम बढ़ाए, नाम में रुचि मतलब नाम और रुचकर है, मतलब मराठी में रुचकर, नाम मीठा है, मीठा है तभी तो रुचि होगी ना, रुचि बढ़ेगी अगर हरि नाम मीठा है तो। हरि नाम भगवान है, इसका भी हमें अनुभव करना है अभिन्नत्वात् नाम नामिनो नाम चैत नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह। नाम भी चिंतामणि से धाम चिंतामणि है, तो नाम भी चिंतामणि है। नाम चिंतामणि चैतन्य फुल ऑफ चैतन्य, इस नाम में भी चैतन्य है। रस का खान है ये हरि नाम, रस विग्रह, रस की मूर्ति, विग्रह मतलब मूर्ति, रस की मूर्ति,
the Jews personified, Jews personification. रसी जब रूप धारण करता है, ऐसे कृष्ण का भी रस, अखिल रसा अमृत सिंधु, भगवान है रस, रसो वैसा, कई सारी बात है, रस वैसा भगवान, रस खान है, रस की मूर्ति है, या तो रस विग्रह, नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त, ये सब हरि नाम का महिमा भी है। अगर हम महिमा भी समझ सकते हैं, हरि नाम का महात्म्य अगर हम अधिक अधिक समझेंगे तो उससे आकृष्ट होंगे। और हरि नाम या पता लग ही गया कि हरि नाम है, मीठा है। थियोरेटिकली तो हमने समझ सुन लिया, समझ लिया हरि नाम मीठा है, रस विग्रह। तो फिर हम लोग प्रयत्नशील भी रहेंगे, प्रयास भी करते रहेंगे। हमने सुना तो है कि हरि नाम मीठा होता है, मीठा है ये हरि का, हरि हरि का, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि का बड़ा हरि का नाम। या फिर ये शिक्षाष्टक भी है, पहला शिक्षाष्टक जो है तक महिमा की बात मैंने, वो बात तो वही रह गई, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, ये हरि नाम का महिमा है। और फिर हरि नाम का महिमा है मतलब हरि का ही महिमा है, क्योंकि अभी आगे कहा ही है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नाम और नामी में भेद नहीं है, अभिन्नत्व, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। और ये नाम कैसा है, पूर्ण है, पूर्ण, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते, पूर्णम कंप्लीट, पूर्णम पूर्ण, नित्य है, होगा ही, शुद्ध है। फिर हमको शुद्ध हरि नाम का जप करना है, ऐसा करें, लक्ष्य क्या है, शुद्ध हरि नाम का जप करना है। अजय मिल ने भी जो आपके कानपुर के ही थे, वे कन्नौज, कन्नौज के, ओके, कानपुर के पास कन्नौज के, उन्होंने भी नारायण नारायण कहा, लेकिन वो नामाभास की अवस्था में या मनस्थिति में उन्होंने नारायण नारायण कहा। वैसे अपराधों से कुछ बच रहे थे, मुक्त हो रहे थे, क्योंकि नारायण 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 आ जाओ, नारायण बैठो, नारायण भोजन करो, नारायण 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 जीवन जीवन भर, वैसे वो जाने अनजाने कहता रहा। तो उसी के साथ जैसे हम लोग नाम जब करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हर समय तो लाभ होता ही है, और हम लोग अधिक अधिक मुक्त होते रहते हैं अपराध नाम अपराधों से भी। तो नित्य शुद्ध शुद्ध मुक्त, भगवान का नाम भी मुक्त है, भगवान मुक्त है, भगवान मुक्त है, अभिज्ञ स्वराट, भगवान कैसे अभिज्ञ सर्वज्ञ है, और स्वराट मतलब इंडिपेंडेंट है। तो भगवान का नाम भी मुक्त है, और स्वयं भी मुक्त है, औरों को भी मुक्त कर सकता है। तो नित्य शुद्ध मुक्त पूर्ण अभिन्नत्व नाम नामिनो। तो हरे कृष्ण या श्री प्रभुपाद,
या एक बार तो कहे किस व्यक्ति शराबी कैसे बनता है, हाउ डज वन बिकम ड्रंकार्ड प्रभुपाद। शराब पीते 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 फिर एक समय फिर वो सोचने लगेगा जीना तो क्या जीना शराब के बिना। इतनी रुचि बढ़ती है, इतना आसक्त हो जाता है पीते पीते। तो प्रभुपाद भी एक समय कहे कि फिर नाम जपते 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 अभी हमें भी नशा आ जाएगी, आनी चाहिए, हम नशा में आ जाएंगे, हरि नाम की नशा। तो हरि नाम हम लोग जब दीक्षा होती है तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं हम लोग, या कोई संकल्प लेते हैं। क्या है, हम मिनिमम 16 राउंड्स कम से कम 16 माला काम जब करेंगे हरि वो। कोई सो रहा था इसीलिए तो अरे एंड देन मैं चार नियमों का पालन करूँगा, इसका भी संकल्प लेते हैं हम। और दीक्षा के समय ही, या मेरी भी जो दीक्षा हुई वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में, रूप गोस्वामी के समाधि के पास मंतव कार्तिक भाई, तो मुझे भी सुनाए गए थे 10 नाम अपराध। तो हुआ तो हम संकल्प लेते हैं प्रतिदिन हम 16 माला का जप करेंगे। तो इस संकल्प को पूरा करना है, और कैसे, उसके रिमाइंडर मतलब 10 ऑफेंसेस का रिमाइंडर हर प्रतिदिन हम कराते हैं इस कांटेम्पो में। 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए ताकि शीघ्रातिशीघ्र क्या हो जाए, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। और बीइंग और ध्यान पूर्वक नाम जप न करना क्या है, ये भी अपराध है कि ये भी अपराध है। लेकिन दूसरी समझ ये भी है कि वैसे ध्यान पूर्वक जप नहीं करना ही 10 अपराध करने के पीछे कारण है। That is a source, a reason why we keep committing offenses, because हम क्या नहीं करते, ध्यान पूर्वक जप नहीं करते। तो हमने संकल्प लिया है मिनिमम 16 राउंड्स। करना चाहिए, दिस इज आवर ड्यूटी। या फिर शुरुआत में हम एज ए ड्यूटी करते रहेंगे, और एक दिन एक समय आना चाहिए कि हमारे लिए ये हमारी हॉबी बन जाए, या ये हमारा सेकंड नेचर बन जाए, या हमारे लिए नेचुरल या स्वाभाविक बन जाए ये जब करना।
ये नाम तो मीठा है। हरी हरी गौरंग नित्यानंद नाम तो मीठा है किंतु भी है किंतु ईव्स एंड बर्ड्स का दी ईव्स एंड बर्ड्स नहीं होने चाहिए लेकिन फिर हम जोड़ देते बट नाम तो मीठा है बट नाम तो मीठा है किंतु परंतु हो सकता है कुछ कड़वा लगता है हरि नाम। तो फिर शास्त्र में और फिर प्रभुपाद पुनः पुनः कहा करते थे कि हरि नाम में कोई दोष नहीं है। हरि नाम कड़वा हो ही नहीं सकता। हरि नाम तो मीठा है और रहेगा ही। किंतु जैसे इसको क्या कहते हैं पीलिया कहते हैं जॉन्डिस होता है। वेरी फेमस एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं। जब जॉन्डिस होता है तो उस व्यक्ति को कुछ मिश्री दे देंगे खाने के लिए तो इट्स वेरी बिटर कड़वा है। तो और वैसे ये मिश्री ये दवा भी है पीलिया या जॉन्डिस के लिए। ये दवा ही नहीं दिस इज ओनली मेडिसिन केवल मिश्री एव ही केवलम केवल मिश्री ही दवा है। तो अब डॉक्टर के पास दोबारा ना ना इज एनी अदर मेडिसिन तो कह नो दिस इज द वन। तो मरीज उसको ग्रहण करता जा खाता जाएगा तो क्या होना चाहिए वो ठीक हो जाएगा कोई सुधार होगा उसके स्वास्थ्य में या पीलिया रोग से जैसे जैसे मुक्त होगा वैसे वैसे उस जो मिश्री की जो मूल मिठास है द ओरिजिनल जो स्वीटनेस है उसका अनुभव करने लगेगा। जैसे अधिक अधिक वो मुक्त होगा उस रोग से और एक समय ऐसा है और लाओ समाप्त है ना गो बाय परचेस ब्रिंग मोर ऐसा डिमांड करेगा। तो पीलिया जॉन्डिस का मरीज तो मिश्री तो मीठी ही पहले भी थी अब ये रहेगी सो लाइक दैट द होली नेम तो मीठा ही है। अगर हमको कड़वा लगता है तो समथिंग रॉन्ग विथ अस लेकिन दूसरा कोई उपाय है भी नहीं। तोमार लई ते आमी होई न अवतार और आगे आमी बिना बंधु के आछे तोमार चैतन्य महाप्रभु ने वैसे कहा मेरे बिना और कौन बंधु है। तुम्हारे लई थे आमी होई न अवतार मैं आया हूं और कुछ ले आया हूं। और आगे क्या कहते हैं एनेची औषधि माया एनेची औषधि माया नसी बारा लागी हरि नाम महामंत्र लहो तुम्हें मागी। मैं औषधि लेके आया हूँ। सो दिस इज कौन औषधि लेके आए हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु औषधि लेके आए हैं। तुम्हारा जो जो भी रोग है पीलिया रोग है दिस रोग दैट रोग वैसे भवर रोग कहो एक ही नाम सभी रोगों को मिला के एक नाम। तो भवर रोग से मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं
पर्सनली या होम डिलीवरी देने में से भगवान जा रहे थे, गांव गांव जा रहे थे, इवन ही वॉज गोइंग डोर टू डोर चैतन्य महाप्रभु, और होम डिलीवरी दे रहे थे, हरि नाम दे रहे थे, या फिर हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को भी वो कह रहे थे जाओ प्रति घरे गिया अमार अज्ञा कर प्रकाश, मेरे अज्ञा का अज्ञा का प्रकाशित करो, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा सबको बताओ। वे सब बोलते रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, बोलो कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण। श्री विग्रह आराधना नित्य नाना भी करो और कर कृष्ण शिक्षा। और पढ़ो गीता भागवत करीति श्रवण खंड चिंतन बिठो भाचे, हमारे तुकाराम महाराज महाराष्ट्र में कहा करते थे गीता भागवत का पाठ करोगे तो चिंतन करोगे फिर भगवान का चिंतन मिठो बा, कृष्ण का स्मरण होगा। तो करते जाओ डेली एवरी डे विदाउट फेल, आई मीन ओके, ये कहने की जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन ये बात मैंने की हुई है। जिस दिन से दीक्षा ली है मैंने, और ये मेरी दिस इज 50th एनिवर्सरी ऑफ माय इनिशिएशन 72 एंड दिस इज 2022, सो इन लास्ट 50 इयर्स I have not missed my chanting, minimum chanting of 16 rounds. And more, minimum I said. So, फिर इसके लिए फिर सो मेनी कई सारी बातें, फिर उत्साह चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सदोवृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति प्रसिद्धति सिद्धि परफेक्शन आएगा भक्ति में परफेक्शन प्रसिद्धति सिद्धि, ऐसे मंत्र की भी सिद्धि होती है, सिद्धि कहा था मुझे मंत्र सिद्धि, मंत्र की सिद्धि किसमें है, मंत्र के जो देवता है, हर मंत्र के देवता होते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र के देवता कौन है, राधा कृष्ण देवता है। तो इस मंत्र की सिद्धि मतलब नामे रुचि भी एक सिद्धि ही है, और मंत्र सिद्धि मतलब राधा कृष्ण का दर्शन भी कहो साक्षात्कार कहो, और आप सभी को भगवान राधा कृष्ण का साक्षात्कार आपको भी हो चुका है, हुआ है कि नहीं, अब मैं सोच ही रहा था सोचोगे और बट इट्स अ फैक्ट, आप डिफरेंसेस ऑफ द डिग्री कहो,
साक्षात्कार तो हुआ है, मेबी नॉट 100%, बट फॉर श्योर 5%, 10%। तो आप कृष्ण रियलाइज, राधा कृष्ण रियलाइज तो हो ही। So that much perfection you have attained, utna perfection to aapne hasil kiya hua hai. So every day to realize more and more and more and more and more. The mantra siddhi. Aur phir antato gatva phir. To jis mantra ka hum uchcharan karte hain, उस मंत्र के जो देवता होते हैं और वे देवता जहाँ रहते हैं, तो हम भी जप करता, जप करने वाला, तो क्या है? अरे ना, क्या शब्द है? जप करने वाले को क्या कहते हैं? जप ही ना हो, ऐसा क्या कोई शब्द जानता है? जप करने वाला क्या कहोगे? जापक, ओके, राइट, गुड, थैंक यू। जापक, जापक, जप करने वाला जापक, तो नया शब्द है, लेकिन उन्होंने बनाया तो नहीं, दिस एग्जिस्ट, ये तो पहले से ही है ये शब्द। This is not a mental speculation, या कोई मनोधर्म नहीं है। तो हुआ, तो जप करने वाला जापक, जप करते करते जैसे वो उसको अधिक अधिक और पूर्णतः सिद्धि प्राप्त होगी, और फिर ऐसा व्यक्ति त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीति भी नहीं हुआ, पुनर्जन्म नहीति हुआ मतलब पुनः जन्म नहीं हुआ। माम एति, माम एति, माम मतलब मैं, एति मेरी ओर आता है, या मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ आता है, वहाँ पहुँचता है। गोलोक एव निवसति, तो ये भी क्या है? मंत्र सिद्धि है। तो एवरी डे हम लोग कुछ थोड़े थोड़े सिद्ध पुरुष बनते हैं, बनने चाहिए। 10%, 20%, 50%, एंड देन 100% भी हो गए इसी शरीर में। अब शरीर को त्यागा तो नहीं, तो उसको जीवन मुक्त कर, जीवन मुक्त सब उच्चते, मुक्त है तो वो जीवित रहता है। मुक्त केवल मुक्त ही नहीं, भक्त है, भक्त मुक्त, वैसे मायावादी मुक्त होते हैं, फिर वो निष्क्रिय बन जाते हैं। अहम ब्रह्मा, ब्रह्मास्मि, तो वह यह बात अलग है। मायावादी, 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 तो सावधान, मायावाद भाष्य सुनिले सर्वनाश, सिद्धि तो भूल जाओ। ये तो हुआ, तो मंत्र सिद्धि तो हर रोज सिद्ध होना है, और फिर अंत तो गत्वा ये प्रभुपाद दिए, गोइंग बैक टू गॉड हेड पर बहुत जोर दिए प्रभुपाद, बहुत जोर दिए मतलब आवश्यकता से अधिक नहीं, जितना जोर शास्त्रों में दिया हुआ है ये भगवत धाम लौटने की जो बात है, क्या बात है। तो हुआ, तो लिटरली जाना होता है भगवत धाम, जाया जाता है,
ऐसा ज़्यादा कोई न तो बोलते हैं, न तो उस पर कोई जोर देते हैं, न तो समझाते हैं, न तो, लेकिन प्रभुपाद वॉज कन्विंस्ड कि हमें सब साधना करते हुए हम तो फोकस में तो नाम जप साधना और उसकी सिद्धि की बात कर रहे हैं, तो वह इसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भगवत दर्शन भी है और इस आत्मा को ट्रांसपोर्ट करना है बैक टू, जैसे अजामिल गए ना पर्सनली, फिजिकली, नॉट फिजिकली, स्पिरिचुअली, फिजिकली मतलब बॉडी के साथ, कन्नौज से गए फिर वो हरिद्वार गए और फिर उन्होंने ऐसे सारा रिव्यू वगैरह किया, अब तक मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कहा करते थे एवरी एकादशी, ऐसे साधक को थोड़ा पिछले एकादशी से इस एकादशी, आज के एकादशी तक अढ़ावा मराठी में चलता, हम रिव्यू करते हैं मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, मेरे वीक पॉइंट्स। जहाँ तक जप की बात है तो मेरे अपराध कुछ कम हो रहे कि बढ़ ही रहे हैं कि ऐसे। एक भक्त, आई थिंक वाज फ्रॉम मलेशिया, वो जब करते समय इज टू कीप पेन एंड पेपर, तो एक मंत्र के उच्चारण के दरमियान जो भी समय लगता है उसका माइंड जब जब डिस्ट्रैक्ट हुआ, ध्यानपूर्वक जब नहीं किया, माइंड यहाँ गया वहाँ गया, टुक ऑफ वहाँ हियर, और एक लाइन खींचता था, कुछ समय के बाद अनादर वन। यह हो सकता है ड्यूरिंग 16 राउंड्स के दरमियान या वन राउंड, और फिर वो कंपेयर करता नेक्स्ट राउंड या नेक्स्ट डे, जिसकी जो लकीरें खींचता था वो, उसकी संख्या कम हो रही कि बढ़ रही, कम हो रही कि बढ़ रही, कम हो रही कि बढ़ रही, तो कंपेयर, संख्या कम हो रही मतलब इज इम्प्रूविंग, थोड़ा ध्यान अधिक अच्छा ठीक से ध्यान हो रहा है। तो we're talking a lot of things here. So Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Name Ruchi, okay, we could go back there. Name Ruchi Jivedaya Vaishnava Sevan. So Name Ruchi, कौन कौन चाहते कि राम में नाम में रुचि हो, ये बात अच्छी है और इच्छा भी है कि नाम में रुचि हो। दिस इज ये भी अकम्पलिशमेंट है, दिस इज ऑल्सो समथिंग। तो नामे रुचि, तो फिर जीवों में दया हमको दिखानी चाहिए, जीवों में दया और वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। तो
तो वैष्णव, आप वैष्णव के साथ रहते हो, तो वैष्णव अपराध करना चाहिए कि वैष्णव सेवा करनी चाहिए? क्या प्रश्न है? नो ब्रेनर है। तो वैष्णव सेवा करो ना। हाँ, सेवा करोगे तो फिर मेवा मिलेगा। सेवा से मिलता है मेवा। मेवा समझते हैं? मेवा चलता है कि नहीं, मेवा? तो सेवा करो, वैष्णव सेवा करो। हर रोज आप कुछ योजना बनाओ या कुछ संकल्प करो कि मैं विल डू 3 डिफरेंट स्मॉल और बिग कुछ सेवाएं सर्विसेज करूंगा। एवरी डे 3 सर्विसेज। और अपराध नहीं करूंगा या कम करूंगा। 3 अपराध करता था तो आज कितना करूंगा? 2 से पेट भरूंगा अभी। तो सेवा को बढ़ा सकते हो। अरे अरे, वैकुंठ में एक दूसरों की सेवा ही करते हैं। वैकुंठ में या गोलोक में अपराध नहीं करते हैं। और अपराध में ये वैष्णव अपराध भयानक है। जैसे हाथी को किसी वेल मेंटेन उद्यान में अगर लाया जाए तो क्या कर देता है वो? उद्यान का सत्यानाश करेगा कि नहीं? सो लाइक दैट, हम जो अपराध करते हैं, वैसे हम जो साधक है, हम मालाकार हैया, मालाकार बनो, से चैतन्य चरितामृत में कहा है। और फिर बीजारोपण करो आपके हृदय प्रांगण में, भक्ति लता का बीज फिर वो अंकुरित होगा। और श्रवण कीर्तन जले करह सेचन, ऐसे चैतन्य महाप्रभु आई थिंक रूप गोस्वामी से कहे। और फिर जो त्रेन का उगेगा, त्रेन जिसके जिसको हमने उगाया था वो भी उगेगा, और जिसको उगाया हमने नहीं था ऐसा घास भी उगेगा ही। एक घास का प्रकार है कांग्रेस, कहते कांग्रेस, कांग्रेस नाम का एक घास है, तो कांग्रेस हटाओ। आपने देखा कांग्रेस के छोटे छोटे सफ़ेद उसके फूल होते हैं, कई सारे होते हैं, और इतना मच जाता है स्प्रेड्स वाइल्डली। तो वो है या कोई भी घास। तो हम जो साधक है, मैं कह रहा था से चैतन्य चरितामृत में कहा है, हम लोग वी आर अ गार्डनर, हम लोग माली है। तो माली का फर्ज बनता है कि जो फालतू का घास जो उगता है, जिसको अपराध कहा है, उसको हटाना चाहिए हमारे जीवन से, हमारे उद्यान से, हमारे हृदय प्रांगण से।
उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, समूल नष्ट करना चाहिए, ताकि हमारी जो भक्ति लता बीज है, फिर हम जो भी उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, श्रवण कीर्तन जले कर सेचन, और सारा फर्टिलाइजर वाटर फिर उस लता को जिसको हमने उगाया उसी को मिलेगा, और होगी रष्ट पुष्ट होगी, फिर फलेगी फूलेगी और तो So we are a family, you know. This is a family, you know. ये हमारा परिवार है. So we should be serving our family members, our brothers. We don't have sisters. Yeah, there are sisters. Yeah, congregation. Yeah, there are brothers, sisters. Yeah, fathers. Yeah, uncles. Yeah, nephews. सारे relations, हमारे परिवार में भी है. We are not only children, but your fathers, spiritual fathers. Spiritual uncles, nephews, nieces, like that. So, तो एक दूसरों की सहायता करते हुए, assisting, inspiring each other, हमें रहना चाहिए. अपना पराया, ऐसे कोई पराया है नहीं. अगर वो भाव वो हो सकता है तो दैट्स द बेस्ट. आत्मवत कहते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु सम वाटर मातृवत परद्रव्येषु एंड व्हाट एल्स परद्रव्येषु लोष्टवत यह पश्यति स पंडितः. पंडित मतलब वृंदावन में उनको पंडा कहते, पंडा तो पंडा से पंडित से बन गया शब्द पंडा. और पंडित मतलब लर्नेड. यह पश्यति ऐसा जो देखता, यह पश्यति स वह है पंडित है. तो हमको पंडित भी बनना होगा. पंडित समदर्शिना भी है. पंडित बनेगा तो समदृष्टि वाला भी होगा. तो ऐसे भी हमको बनना होगा. ओके, तो यह ये जो वचन है मातृवत परद्रव्येषु ना मातृवत परदारेषु, तो ये भी बहुत उपयोगी है साधकों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, जापकों के लिए. जापक मतलब कौन, किसको कहते जापक, जप करने वाला. तो आप सब कौन हो, जापक हो. तो जापकों के लिए फॉलोइंग फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के अंतर्गत ये मातृवत परद्रव्येषु, क्या कह रहा मैं, मातृवत परद्रव्येषु. तो सभी स्त्रियां माता के समान. इट्स डिफिकल्ट लेकिन यू हैव टू imbibe this spirit. These are the values. Ye mulya hai. The value education. Matravat paradareshu, lostavat paradrabheshu, dusre ka dhan karkat, kuda karkat ki tarah. Aur atmavat, there's the point. Atmavat सर्वभूतेषु.
कहने और करने में बहुत अंतर होता तो है, लेकिन लेकिन एक पर्याय तो नहीं है। एक जब फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति होता है, कृष्ण भावना भावित, फिर वो होता ही आत्मवत सर्वभूतेषु। और जो लोग है उनको कैसे समझता है, आत्मवत, आत्मवत मतलब वो व्यक्ति मैं ही हूँ, व्यक्ति मैं ही हूँ, ये एंड दिस इज हाई थिंकिंग, जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कहते हैं, हाई थिंकिंग, दिस इज हाई थिंकिंग, दिस इज वेरी हाई थिंकिंग। आत्मवत सर्वभूतेषु, दिस इज वेरी हाई थिंकिंग। तो आश्रम के जो अन्य हमारे बंधु गण है, भ्राताश्री है, तो वह आत्मवत सर्वभूतेषु, सुखदेव गोस्वामी तो यम प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव्य आजुहाव पुत्रेति तनमयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनि मानतोऽस्मि। जिसे सुखदेव गोस्वामी सर्वभूत हृदयेषु, ऐसे या तो वे सभी सभी भूतों के सभी जीवों के हृदय में विराजमान सुखदेव गोस्वामी, या सभी के हृदय या भावों को जानने वाले समझने वाले सुखदेव गोस्वामी, मतलब ही आत्मवत सर्वभूतेषु जो बात है उसका उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण सुखदेव गोस्वामी है। तो हमको भी ऐसे ऐसे विचार के बनना होगा, बनना है। तो फिर हम औरों को परेशान नहीं करेंगे, मतलब औरों को परेशान करना मतलब औरों को तमाशा मारना, मतलब खुद को ही, क्यों, क्योंकि आत्मवत सर्वभूतेषु, समझ रहे, आत्मवत आत्मा आत्मा वत जस्ट लाइक सर्वभूतेषु, अन्य जीव कैसे हैं, मानो मैं ही हूँ, आत्मवत। कितनी अच्छी भाषा और शब्द है, उसको इसी भाषा में उसे समझा जा सकता है, अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना, भाषांतरित करना भी, then you lose कुछ भाव या कुछ विचार कुछ कम कर देते हैं। तो वैष्णव की सेवा अपराध रहित जब करना है तो उसमें ये अपराध है, नंबर वन अपराध तो यही है। तो और जैसे आई थिंक दिस मॉर्निंग मैंने कहा कि
और ये अपराध करने में बड़े एक्सपर्ट है. वी आर वेरी कुशल, क्योंकि हमें संसार में बहुत समय से हैं, संसार में बहुत समय से हम हैं. सो वी हैव अटेन्ड परफेक्शन. औरों को परेशान करना, औरों के चरणों में अपराध या उसके गाल में अपराध या कहीं पर पेट में अपराध करने में हम लोग बड़े बड़े कुशल हैं. अब तक किसी ने बताया नहीं था कि डोंट डू दिस, ये करना दंडनीय अपराध है. सस्तेनो दंडम अर्हति, ऐसा भी कहा है. आपको जितना चाहिए उसे उतना ही रखना चाहिए. धन या संपत्ति या वस्तुएं उसे अधिक रखोगे सस्तेनो, वो कौन है? वो चोर है. और फिर क्या होगा? दंडम अर्हति, इसको दंड मिलना चाहिए. ये भी जैसे बताया. ओके, आई थिंक एनी क्वेश्चंस कमेंट्स बिफोर यू बिकॉज बिकम्स बोरिंग. या थैंक यू महाराज जी, आपने इतना सब कुछ बताया हरिनाम के बारे में. विशेषकर जो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाओं में से आप बता रहे थे, कैसे सिंचन करेंगे तो उपशाखा भी आएगी. तो उसमें एक चीज मेरे को पूछना महाराज जी, लाइक अभी ये चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं और आचार्य वगैरह भी बताते हैं कि लय विक्षेप ये सब कुछ आएगा आपको, तो अभी हम भी चैंटिंग कर रहे हैं और अगर ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब जैसे चैंटिंग करते हुए सो रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है, तो मेरे को फिर उसको कैसे देखना चाहिए कि मेरा चैंटिंग सही दिशा में जा रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा कि आप चैंटिंग करोगे तो ये भी आएगा, फिर उसके बाद करते रहोगे तो चले जाएगा. तो ऐसा भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि जब करते रहो, तो फिर उसको कैसे देखे कि मेरे को उसको इम्प्रूव करना है या चलने दो चैंटिंग करने दो? व्हाट इज दिस नॉनसेंस, आई मीन एक प्रश्न भी है, ऐसे चलते रहना चाहिए सोता रहूं या ये और घास उगता रहे और मैं कुछ नहीं करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता. ये कहाँ ही है ना, उसको उखाड़ के फेंक देना है या फिर आप कैसे माली कैसे, व्हाट काइंड ऑफ गार्डनर यू आर. या पड़ोस में आप जाके देखो, एक के बगल में दूसरे का खेत है दो किसानों का, तो एक किसान जो बढ़िया से इज अ गुड फार्मर, और जो कांग्रेस का घास या और जो घास है उसको उखाड़ के फेंकता है, और दूसरा गया बीज बोए और फिर 6 महीने के उपरांत लौटता है ये देखने के लिए फसल तैयार हुई कि नहीं, कि इज इट टाइम फॉर हार्वेस्टिंग. तो किसका खेत में अधिक अनाज या अधिक उत्पादन होता है या किसकी फसल कैसी रहती है? हम भी वैसे किसान रहे, किसान के बेटे हम हैं, तो आपने कॉमन सेंस, तो कौन सा खेत में अधिक उत्पादन होगा अनाज, विच वन, जो उखाड़ते रहता है, हाँ, उन्मूलनम, मूल से उखाड़ के फेंकता है, केवल ट्रिमिंग भी नहीं करता ऊपर से, तो जड़ तो जमीन में है तो फिर पुनः उगाता है. तो आचार्यों ने या भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि में ये सब समझाया, सावधान, बी अवेयर, ऐसा ऐसा भी होगा तो
तो उसे बचना है, उसे मुक्त होना है। अदरवाइज क्या बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब भी क्या होगा, प्राप्त नहीं होने वाला है कृष्ण प्रेम, प्रेम प्रेम हरि नाम प्राप्त नहीं होगा। हाँ, तब भी प्रेम हरि नाम प्राप्त नहीं होगा। और कैसा ये है, कैसा है कीर्तन, राजा प्रताप रुद्र ने पूछा। जब बंगाल से और शांतिपुर से, कुलीन ग्राम से, कहाँ कहाँ से, जहाँ तहाँ से जो पार्टीज आया करती थी जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के समय, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में हुआ करते थे तो एक समय एक कीर्तन मंडली आ रही थी, तो उनको देखने के लिए, सुनने के लिए राजा प्रताप रुद्र अपने महल के ऊपर चढ़े और वहीं से छत पर से देख रहे थे। और शायद उनके साथ सारंग भट्टाचार्य होंगे। तो राजा प्रताप रुद्र ने जब वो कीर्तन सुना तो उन्होंने पूछा, व्हाट काइंड ऑफ कीर्तन इज दिस, कैसा कीर्तन है, मैंने पहले भी तो इसी महामंत्र का कीर्तन सुना है, ऐसे वाद्य भी सुने हैं, लेकिन ये दिस कीर्तन इज समथिंग एल्स, दिस कीर्तन इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये तो मैंने जितने भी कीर्तन सुने इससे ये कीर्तन भिन्न है। व्हाट इज इट, क्या है कीर्तन, कौन सा कीर्तन है, क्या नाम है इस कीर्तन का। तो वह उत्तर में उनको बताएगा, तो इसका नाम है प्रेम हरि नाम कीर्तन। कैसा है कीर्तन, प्रेम हरि नाम, ये शुद्ध हरि नाम कीर्तन। तो हमारा लक्ष्य है कि हम करें, वैसा कीर्तन। Again, we need to practice every day. Practice makes man what? Perfect. Oh, okay. Any other question? Your comment? Yeah. Thank you for the wonderful class. One thing you mentioned about this: when person takes this sweet, sugar or Sugar candy. So gradually it's very bitter, and he keeps on taking for his jaundice cure. So gradually he's able to realize. In our life, we are progressing. We are chanting regularly. So what is the observation we can see ourselves that we are getting some taste? Well, if our chanting is improving. Yeah, if you are avoiding offenses, then you will relish the sweetness of the chanting. But if you are not careful, cautious, attentive, then anarthas are going to flourish, and it may so happen that you may even not only lose the taste for chanting, but you may stop chanting. So that could be a big disaster. Is it? Kaun the wo? And the water, Jamuna water. Sabari Muni. The Sabari Muni, this they always cite or recite that as example.
He committed offense at the feet of Garuda. And then onwards, what happened? His desires aroused or revived, desires to enjoy and then he was seeing he fish and she fish. He had been seeing them earlier also, but he was transcendental. Nothing bothered. But now, after committing that offense, Vaishnava Prad, then as his desires were on rise, and then he saw male, female fish, their union. And then he got, oh, I wish I could enjoy like them. And then he left. He left the ashram. He left Vrindavan looking for opposite sex. He goes to King Mandhata and he ended up marrying 50 wives, 50 daughters of King Mandhata. You could see how much strong desire he had. So what are these examples in the Bhagavatam for? This is for us to. It is said the history could be repeated. What happened to Sarvari Muni could happen to us, one of us. So we have to be careful. Sadhu, Saudhan. Sadhu, Saudhan. And the benefit of staying with the sadhus, other sadhus, then we are expected that they would remind us. Also, if we are in their association all the time, then there are less chances of committing offense. Offenses are committed when most of the time when we are by ourselves. This is when we get ideas and empty mind becomes devil's workshop. And then, this is where this devotee association comes into picture and plays a big role, such a beneficial thing, this association, sadhu. So you should never be alone, that's another thing. You should always, even especially when you go out preaching, Srila Prabhupada used to send us, minimum two of you, in pair you have to go. He used to send us in Bombay, at least two together. Never go alone. You will not be able to handle, face the opposite of the forces of enemy camp. This calm and cruel and lobe and there. Riri, is that okay? What else? Okay. प्रायः छोड़ना नहीं चाहिए, तो उसमें एक गिविंग अप मेंटेलिटी आ जाता है, तो फिर किस तरह से उसमें डोंट सरेंडर द माइंड.
माइंड के ऊपर इंटेलिजेंस है ना, इंद्रियभ्य परम मनः, मनसास्तु पर बुद्धि। तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, माइंड को पीटना है मॉर्निंग में जूते से कि झाड़ू से, कि मॉर्निंग में झाड़ू से, एंड इवनिंग जूते से, बूट से, उसको अपोज या उसको सुधारो। दिमाग से काम लो ना, डोंट बी जस्ट मेंटल। जब मन का प्राधान्य या प्रिडोमिनेंस हमारे लाइफ में होता है तब इज अ मेंटल केस, इज अ मेंटल। अगेन लेट द इंटेलिजेंस प्ले इट्स रोल, बुद्धि को अपना निज भूमिका निभाने दो। तो बुद्धि का अंकुश मन के ऊपर, और तुम खुद को ही प्रचार करने लगो, बुद्धि से प्रचार करो, ए बदमाश मान कम हियर। तो वो शेर को भी, ये सर्कस वाले शेर को भी बिल्ली जैसा बना देते हैं। तो हमारा मन भी थोड़ा शेर जैसा ही, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलभद्रम। और ये कहने पर अर्जुन की वैसी शिकायत रही, तुम्हारी जो शिकायत है तुम्हारी नहीं है। वैसे अर्जुन ने ऐसी शिकायत की, मतलब वैसे हर मनुष्य की ऐसी शिकायत है या हर मनुष्य की ये समस्या है। अगर मन नहीं भटके तब भटकेगा, तब फिर मन कैसा हो। आज ही कुछ दिन पहले मैं अमरेंद्र ये नाम अमरेंद्र नाम के भक्त है, प्रीचर, तो कोई कोट कर रहे थे संस्कृत श्लोक। तो जो चंचल बातें या व्यक्ति है उनके साथ अलग अलग नाम भी है, सात पार्टीज है जो चंचल रहती है, संस्कृत का मंत्र है उसमें। तो माँ लक्ष्मी का नाम है, लक्ष्मी भी चंचल है, मक्खी भी चंचल है, हवा भी चंचल है। तो उसी लिस्ट में माइंड इज ऑन दैट, इन दैट लिस्ट। तो ये शास्त्रिक इंजंक्शन हुआ फिर, मतलब मन भी चंचल है, मन तो चंचल है, लेकिन फिर चंचल है चंचल कहने, दुनिया जानती है ये कहने की क्या आवश्यकता है। बात है कि हाउ टू कंट्रोल, क्या किया जाए, व्हाट टू डू। ये नहीं कि कुछ नहीं किया जा सकता, बहुत कुछ किया जा सकता है, और माइंड को कंट्रोल में लाया ही जा सकता है, इट्स वेरी मच पॉसिबल। प्रैक्टिस से होगा। अभी थर्ड चैप्टर ऑफ भगवद गीता, एंड ऑफ थर्ड चैप्टर ऑफ भगवद गीता, जैसे भगवान ने अर्जुन ने जब पूछा कि अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष, अनिच्छन अनिच्छन अपि बलादिव नियोजित। अब जानते हो श्लोक, सुने होंगे, कौन है बलपूर्वक मुझसे पाप करवाता ही है। तो फिर भगवान उत्तर देते हैं, शुरू करते हैं, काम ईश क्रोध ईश रजोगुण समुद्भव। तो उसमें फिर कृष्ण उपाय बताते हैं,
सारी प्रिस्क्रिप्शन है, इंद्रियानि मनोबुद्धिर, है ना, इंद्रियानि मनोबुद्धिर वैसे कहते हैं। ये जो काम है, काम कहाँ कहाँ रहता है, मन में, बुद्धि में और मनोबुद्धि, क्या इंद्रियां, इंद्रिय मन बुद्धि में काम रहता है। इंद्रियानि नियम्यादो कहते हैं, बिगिन विद सेंस कंट्रोल एक अंत में तो कहते जही, जान लो कि ये काम लस्ट इज योर एनिमी नंबर वन पहले कहेगी, और उसके कहते जही इसको यार किल, नॉट ओनली कंट्रोल बट किल, इसकी जान लेनी होगी, आधा आधा छोड़ना नहीं उसको, यू गेट रिवाइव्ड एंड अगेन अटैक। अरे ये महाराज जी, जैसे थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्लास महाराज जी, जैसे आप जब के बारे में बात कर रहे थे कीर्तन में कैसे भक्तों का अपना अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए कैसे उसमें हेल्प कर सकता है कीर्तन, क्या करने के लिए कीर्तन अब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए, और स्पेशली जैसे एकादशी को रहता है तो कुछ भक्तों का रहता है कि शुड वी डू कीर्तन इन टेम्पल या शुड वी डू मोर जपा, तो आप कीर्तन के कैसे महाराज जी उस पर थोड़ा प्रकाश है देखिए कैसे कीर्तन को भी हमको अपने प्रायोरिटाइज में कैसे करना चाहिए या क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए जप और कीर्तन में और दोनों के बीच में समता। अच्छा, नामे रुचि जीवे दया तो वैष्णव सेवन, तो जप करते हैं तो हम नामे रुचि बढ़ाने के लिए जप करते हैं, और फिर वो अपने खुद के कल्याण और उद्धार के लिए होता है, किंतु वह नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के अनुसार द लाउड चैंटिंग इज बेटर और बेनिफिशियल फॉर अदर्स ऑल्सो, औरों के कल्याण के लिए भी है। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन अति भी, शेठ गोस्वामी उनके संबंध में वो कीर्तन कैसे, उत्कीर्तन लाउड कीर्तन, तो लाउड कीर्तन तो उसमें फिर क्या हुआ, नामे रुचि जीवे दया, औरों पर दया भी करते हो आप जब उच्च कीर्तन करते हो और भक्तों के साथ कीर्तन करते हो, कॉन्ग्रेगेशनली वी चैंट, उसमें थोड़ा कम डिस्ट्रैक्शन, मोर अब्सॉर्प्शन इन कीर्तन जब और भक्त भी है और वाद्य भी बज रहे हैं, आनंदी हृदय नाचे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जय दिन गृहेते भजन देखी गृहेते गोलो को भाए, तो वह लाउड चैंटिंग उसमें करीब परोपकार भी है, औरों पर उपकार करने का विचार है, सर्वे सुखिना भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वाणि भद्राणि पश्यन्तु न क्वचित् दुःख भाव भवेत्, ये भाव यही विचार भी इस नगर कीर्तन में या पद यात्रा के कीर्तन में औरों का हित की बात है।
इसी प्रश्न से कुछ रिलेटेड कीर्तन से, जब कोई कीर्तन करता है लेकिन उसका भाव होता है कि मैं कितना बेस्ट कीर्तन करूं ट्यून के हिसाब से कि लोग इम्प्रेस हो जाए, लाउड कीर्तन हो रहा है तो अच्छा है क्या ऐसा सोचना? नहीं अच्छा नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा था महाराज कि क्या इससे भी कभी फायदा होता है और लोगों को भी नहीं होता जैसे? श्योर फायदा तो कुछ तो फायदा होता ही होगा या होता ही है, किंतु जब वो राजा प्रताप रुद्र जब वो प्रेम हरि नाम कीर्तन कर रहे थे मायापुर नवद्वीप की ओर से आने वाली जो मंडलियाँ उससे अधिक प्रभावित थे, उनका चित्त आकृष्ट हुआ उस कीर्तन से, तो फिर वो निश्चित ही अधिक लाभान्वित हुए भी उस शुद्ध हरि नाम कीर्तन से। क्योंकि चैंटर जो है, कीर्तनिया जो है, अपने अहंकार के कुछ भाव को भी मिश्रित कर ही देता है फिर कीर्तन के साथ। तो फिर प्रभाव भी कम अधिक, प्यूरिटी इज अ फोर्स, प्रभुपाद का प्यूरिटी इज अ फोर्स। चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए जानबूझकर कहा वैसे, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। इन सच ए स्टेट ऑफ माइंड वन कुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली। सो दैट स्टेट ऑफ माइंड चैतन्य महाप्रभु ने कही है, तृणादपि सुनिचेन, उसी में अमानिना मानदेन भी, अमानी मानदेना, अमानी अमानिना वैसे अमानिना मानदेना। उसी के पहले अष्टक में, द्वितीय अष्टक के अंत में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, दूरदैवम दूरदैव ईदृश्यम इहा जनि अजनि न अनुराग। नाम तो इतना दयालु भी है, शक्तिवान भी है, नाम नामकारी बहुधा, और नाम जप करने का कोई ज़्यादा कठिन नियम भी नहीं है, तो भी नाम में रुचि नहीं है ऐसा महाप्रभु कहे। और कहने के उपरांत फिर तृणादपि सुनिचेन कहकर फिर कहे कीर्तनीय सदा हरि। अभी रुचि नहीं थी, रुचि नहीं है, रुचि नहीं कह रहे थे, अब क्या हो रहा है, कीर्तनीय सदा हरि। तो इन बिटवीन क्या हुआ, इन सच ए स्टेट ऑफ माइंड, ऐसे मन की स्थिति में फिर सारा परिवर्तन किया जा सकता है, रेवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस। रुचि नहीं थी, अब तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, कीर्तन ही है सदा। अरे या अभी आपने बताया था कि कामों को फिल करना चाहिए, मानना चाहिए, किसको काम को, हाँ, व्हाट इज द वे टू फिल द काम, हाउ टू, यस, कैसे फिल कर सकते हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, दिस इज द वे। वैसे हाउ डज
How does काम come into being? या काम जन्म कैसे लेता है? तो कृष्ण कहे ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु वजायते संगा संजायते कामः। फिर आगे भी कामात् क्रोधो क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति प्रतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो शुरुआत हुई कहाँ से? ध्यायतो विषयान् पुंसां, विषयों का ध्यान करेंगे तो वह उसमें आसक्त होंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगः तेषु उपजायते, संग उत्पन्न होगा उसमें, किसमें? विषयों में। फिर संगा संजायते कामः, फिर इसे संग से ऐसे आसक्ति से फिर काम उत्पन्न होगा और फिर आगे जो जो भी है। तो वह तो इस काम को रिप्लेस करना है राम को, टू किल काम। तो क्या करना होगा? प्रोसेस तो वही है, ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते। किंतु साधक अगर ध्यान करेगा, ओके, विषयों का ध्यान करेगा, कृष्ण को विषय कहा है ऐसे, और साधक होता है आश्रय, भगवान होते विषय, इज अ सब्जेक्ट मैटर, इज ऑब्जेक्ट ऑफ आवर डिवोशन। तो विषय है और हम है आश्रय। तो साधक जब आश्रय लेगा विषय का, और फिर वो विषय कृष्ण है, और कृष्ण का ध्यान करेगा, तो ध्याय तो विषयान् पुंसां, तो भगवान का विषय बना के जब ध्यान करेगा तो क्या होगा? ध्याय तो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायति भी होगा, मतलब आसक्त होगा, नामे रुचि या जो आसक्ति भी है, श्रद्धा और साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और फिर आसक्ति, हाँ रिमेम्बर दैट सोपान जो है, तो आसक्त, तो वह वैष्णव भी आसक्त होगा, साधक आसक्त होगा, लेकिन अब आसक्त किसमें होगा? जिसका वो ध्यान कर रहा है, अभी भगवान का ध्यान कर रहा है तो भगवान में आसक्त होगा। तो ध्याय तो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते, वह कामा था, अब क्या होगा? प्रेमा, अब प्रेम उत्पन्न होगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट भगवान थे, उनका ध्यान किया, उनसे आसक्त हुए, तो प्रेम उत्पन्न होगा। सो लाइक दिस you are killing, you are replacing, you are kicking out काम, और इसके स्थान पर प्रेम की स्थापना। और फिर काम का परिणाम क्या होने वाला था? बुद्धि नाश हो। लेकिन जो प्रेमी भक्त है उनके लिए भगवान ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि देता हूँ। अब बुद्धि का नाश की बात है या बुद्धि देने की बात है? तेषां सतद्युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम, दसवें अध्याय में भगवान कहे, जो मेरी सेवा करता है, सतत सेवा करता है, प्रीतिपूर्वक सेवा करता है, उसको मैं बुद्धि देता हूँ। ओके, तो वह बुद्धि का नाश होने पर क्या होगा? विनश्यति, सर्वनाश होगा, यू विल गो टू हेल। और यह उसको भगवान ने बुद्धि दी, तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम एन माम उपयान्ति ते, ऐसा व्यक्ति यान्ति जाएगा या आएगा कहाँ? उप पास, जब जहाँ मैं रहता हूँ वह आएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, वन हैज गॉन टू हेल, अदर वन हैज गॉन बैक टू होम, बैक टू कृष्णा। तो वह
तो जस्ट डिपेंड्स आप किसका ध्यान करते हो। और दो ही पार्टी है, एक कृष्णा पार्टी है और दूसरी माया पार्टी है, और ये सारा साइंस है। ये या कुछ है प्रोग्राम भी है ना 5 बजे, और आपको प्रसाद लेना है ना? तुमने पात्रता कहा इसीलिए okay. विद्या ददाति विनयम् विनयाद याति पात्रता, ऐसा भी कहा है। तो तुम कुछ विद्या अर्जन करोगे, या वैसे दीक्षा के पहले शिक्षा होती है फिर दीक्षा होती है। दीक्षा तो दी और क्ष, द और क्ष, वैसे दो शब्द भी है। तो द से ददाति ज्ञानम, ज्ञान देने की बात है। तो जब ज्ञान तुमको दिया जाता है, तुमने ज्ञान को अर्जन किया, तो फिर वो ज्ञान फिर क्षय क्षय भी करेगा, तुम्हारे पाप का क्षय होगा। ऐसे जब तुम थोड़े ज्ञानवान बनोगे, तो भगवान की शरण में जाओगे या नाम का आश्रय भी लोगे, तो फिर भगवान कहे हैं मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस प्रकार तुम फिर तस्मात् गुरुं प्रपद्ये, तो ऐसे भी शास्त्र में कहा है, जीवन में गुरु का गुरु की अनिवार्यता कही है शास्त्र में। मस्ट प्रपद्ये, मस्ट। और फिर गीता में भी कृष्ण कहे तद्विद्धि प्रणिपाते न प्रणिपात, फिर जाओ परिप्रश्न न, not blind following, questions are allowed, प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन कैसा भाव होना चाहिए? परिप्रश्न है ना, सेवया, सेवा भाव होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। नम्रता से आती है पात्रता। वैसे फिर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, उपदेक्षन्ति, तो यह दीक्षा की बात है। इसे कई कॉमेंट्री में व्याख्याओं में उपदेक्षन्ति मतलब वे तुमको दीक्षा देंगे, क्योंकि वे तत्ववेत्ता है, तत्व का दर्शन किए हुए हैं। तो इस प्रकार कुछ शिष्यों की गुणवत्ता, कुछ या जो भी, और गुरु की भी अपनी गुणवत्ता, फिर दोनों का मिलन, और महाजन हो ये ना गता हाजा पंथा, हम मार्ग पर लग जाते हैं, उस मार्ग पर जिस मार्ग पर हमारे पूर्वाचार्य गए हैं और भगवत धाम को प्राप्त किए हैं। Should we stop? We'll take some break and then again at Piranha. I also have a meeting to attend, so it'll start early and end early, on time. Okay. Thank you.
हरी बाबा। तो आप लोग महाराज जी का धन्यवाद देते हैं।